कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जोमैटो की बात करते हैं। स्टॉक में करीब करीब 1.5 से 2% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है, जो पहले 4 रुपए थी वो बढ़ाकर 5 रुपए कर दी है, तो काफी पॉजिटिव एक्शन है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज करीब करीब 2.5 से 3% का उछाल दिखाई दे रहा है। टेक्निकल्स पर देखें तो जोमैटो पर क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में ही स्टॉक में करीब करीब 11% तक बढ़ा है, लेकिन टेक्निकल्स पर चार्ट के नजरिए से जोमैटो पर क्या राय रहेगी? जी, जोमैटो तो कंज्यूमर सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है और कंज्यूमर सर्विस सेक्टर में 13 स्टॉक है और 13 स्टॉक को मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एनालिसिस करता हूँ तो 77% ऑफ द स्टॉक ऑन द पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। जोमैटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है। आज के दिन में नो डाउट एक अपसाइड मोमेंटम अच्छी खासी मिली थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे देखने मिली हुई है। बुलिश कंटिन्यूएशन साइन तो है, लेकिन इसके स्टॉक में ऊपर में 198 से लेकर 200, जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे भी लास्ट टाइम से स्टॉक फिसला था और आज भी स्टॉक अपने वही लेवल से फिसल रहा है, तो 200 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रहा है। तो हमें आइदर साइड एक सिचुएशन बिठानी पड़ेगी, या तो फिर स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर जाए तो हम इसको फ्रेश ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर स्टॉक थोड़ा सा फिसल के 175 के लेवल के यहाँ पे आता है, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है, लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच है, तो वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस स्टॉक के लिए 175 या तो फिर 200 के लेवल के ऊपर के, ये दो लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये है सलाह जोमैटो पर, कुछ लेवल्स आपको पता है उस पर नजर रखिए।